जनाब करण वकार साहब, मेरे बरनाला के दोस्तों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। जो मेरे इस बुजुर्ग के जज्बात हैं, मेरे भी यही जज्बात हैं, लेकिन लेकिन जो जवानी उनके अंदर है वो हमारे अंदर नहीं। इसलिए ये अल्लाह का करम है और इंशाअल्लाह आपके जज्बात को देखकर बरनाला में और पूरे आजाद कश्मीर में मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह 25 जुलाई को फतह जो है वो कर्नल वकार की होगी। फतह इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी और फतह इंशाअल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ के भी अगले की होगी। दस्तार गिरे मजहब के ठेकेदार गिरे, बड़े सिप सालार गिरे, इस मिट्टी के गद्दार गिरे, मुनसिप गिरे बार बार गिरे, इंसाफ के दावेदार गिरे, इस नाम निहाल में मारो से यहूद के पिरोकारों से, इस मिट्टी के सिर्फ आजाद कश्मीर का इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान का इलेक्शन है और हम 25 जुलाई 2021 को वो नहीं होने देंगे जो पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के तशख्स के लिए को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, ये हम नहीं होने देंगे। ये हमारा आपसे वादा है और ये वादा हम आपसे भी लेना चाहते हैं कि अपनी वोट के जरिए हमने कश्मीर की शिनाख्त को जिंदा रखना है। आज 7 महीने से हम सुन रहे हैं कि आर्टिकल 370 कुछ उसे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम कश्मीर में जो हमारा असूली मौकफ है उसे हट गए तो हमेशा के लिए कश्मीर का सौदा हो जाएगा, इस बात को याद रखें। आज आपने देखा है कि जो वफाकी वज़रा आजाद कश्मीर में आए हैं वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं। मेरा आज भी वजीरों को चैलेंज है कि आजाद कश्मीर के आवाम को बता कर जाए कि कश्मीर पर जो सलामती काउंसिल की करारदादे हैं वही कश्मीर का तशद्दुद को जिंदा रखेगी, वही कश्मीर की शिनाख्त है। अगर पाकिस्तान उससे हट गया तो ना पाकिस्तान खुद मुख्तार रहेगा और ना कश्मीर को शिनाख्त मिल सकेगी। ये इलेक्शन आज इस चीज का फैसला है। हम अगर मुल्क की बात करें, आज से 3 साल पहले भी मुल्क में हुकूमत थी, मुझे बताएं कि आज हर शख्स महंगाई से परेशान है या नहीं है? हाथ खड़ा करके बताएं कि महंगाई हर घर में है या नहीं है? ये क्यों हुआ? ये इस मुल्क की बदनसीबी है कि 25 जुलाई 2018 को पाकिस्तान का इलेक्शन चोरी हुआ और इस चोरी के नतीजे में एक ऐसी हुकूमत आई जिसने पूरे पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के आवाम को तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया, महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया और आज वही हुकूमत कश्मीर का सौदा करने पर तुली हुई है। ये आम इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन
फैसला करेगा कि कश्मीर की शनाख्त, कश्मीरी अवाम की शनाख्त बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। इमरान खान का मौका बड़ा वाजे है, उसने बार बार कह दिया है कि हम कश्मीर के मामले पर जो सलामती काउंसिल की करारदादी है उससे कोई बात भी नहीं करता। मुझे बता दें इमरान खान, उसके वजीर बता दें कि कब वो आखिरी दिन था जब पाकिस्तान की हुकूमत ने कश्मीर के मामले पर सलामती काउंसिल की करारदादों की बात की थी। वो 31 मई 2018 था जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और जिस हुकूमत ने, नवाज शरीफ की हुकूमत ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिन जाकर हर किस्म की मुखालफत के बावजूद कश्मीर को वो खुद मुख्तारी दी जो पाकिस्तान की कोई हुकूमत न दे पाई। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है, ये आपकी वोट की कामयाबी है, ये आपकी कामयाबी है। मेरे साथ नारा लगाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, जोर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, आजाद कश्मीर आजाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कैसे